स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में समुच्चय के बारे में अध्ययन किया था और जो होमवर्क दिया था वो सभी छात्रों ने कल लिया होगा। आज हम समुच्चय के अगले आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम वैन आलेख देखेंगे। वैन आलेख किसे कहते हैं? किसी सार्वत्रिक समुच्चय को हम एक आयत के द्वारा और उसके उपसमुच्चय को एक वृत्त के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस चित्र में देखोगे कि एक आयत बना हुआ है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। सर्किल समुच्चय ए कहलाता है और समुच्चय ए के अवयव क्या है? 2, 4, 6, 8, 10। और जो आयत बना है उसमें ए के अवयव तो रहेंगे ही, साथ में 1, 3, 5, 7, 9, इन दोनों अवयव को मिला दिया जाए तो वो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसी प्रकार दूसरे चित्र में देखते हैं, आयत बना हुआ है वह सार्वत्रिक समुच्चय है और दो सर्किल दिख रहे हैं, तो अंदर वाला जो सर्किल है उसको हम बी का नाम दिया है और उसके अवयव हैं 4 और 6, और ए जो बड़ा सर्किल है उसमें बी के अवयव तो रहेंगे, साथ में 2, 8 और 10 भी रहेंगे। तो ए के अवयव क्या हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, और उसमें यदि हम 1, 3, 5, 7, 9 और मिला लेते हैं तो वो सार्वत्रिक समुच्चय हो जाता है। अब आते हैं हम समुच्चयों पर संक्रियाएं, समुच्चय का सम्मिलन। क्या समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स क्या कहलाता है? यदि हम दो समुच्चय ए और बी लेते हैं और हम उन दोनों के अवयवों को इकट्ठा कर दें और एक समुच्चय बना दें, वो समुच्चय का सम्मिलन कहलाता है। उसे हम ए संग बी से दर्शाते हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है, ए बराबर जिसमें अवयव हैं 2, 4, 6, 8 और बी में अवयव हैं 6, 8, 10, 12। तो ए संग बी में क्या होंगे? 2, 4, 6, 8 जो ए के अवयव है और बी में 6, 8 चूंकि रिपीट हो रहा है तो इसको हम फिर से नहीं लिखेंगे और 10 और 12 को इसमें ऐड कर देंगे। तो ए संग बी के अवयव हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, ए के अवयव है ए ई आई ओ यू और बी के अवयव है ए आई ओ यू। तो ए संग बी में के देखते हैं ए ई आई ओ यू तो लिखेंगे और बी में ए आई यू चूंकि इसमें पहले से लिख चुके हैं इसलिए फिर से नहीं लिखेंगे। तो ए संग बी कितना हो जाएगा? वही समुच्चय ए के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये अगला उदाहरण है, इसे बच्चे अच्छे से नोट कर लें और इसको चित्र से देखें। यह जो कुछ प्रॉपर्टीज दी है यूनियन की, इसको बच्चे ए और बी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन संख्या लेकर के बना ले और इसको हल करके देखें कि ये बराबर आता कि नहीं आता है। जो पहला नियम है वो क्रमरिमी नियम है, दूसरा नियम साहचर्य नियम है, तीसरा तत्समक नियम है। तत्समक नियम का मतलब होता है कि ए का फाई के संग के साथ संग लेते हैं तो वह ए आता है। और वर्ग सम नियम क्या है कि एक समुच्चय का ए के साथ संग बनाते हैं तो ए आएगा। और यू का नियम क्या है कि यू का किसी भी समुच्चय के साथ संग बनाते हैं तो यू ही रहता है। अब हम समुच्चयों का सर्वनिष्ठ किसे कहते हैं? हम दो समुच्चय लेते हैं और दोनों समुच्चयों में जो अवयव उभयनिष्ठ या कॉमन है उनका समुच्चय जो बनाएंगे वह ए सर्वनिष्ठ भी कहलाता है। तो हमने जो प्रीवियस ये उदाहरण लिया थे, जैसे जो उदाहरण नंबर 12 है 2, 4, 6, 8 और बी के अवयव है 6, 8, 10, 12, तो इसका जो सर्वनिष्ठ बनाएंगे तो उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से होंगे? ए का अवयव जो है 6 और 8, बी में भी है, तो ए सर्वनिष्ठ बी में कौन से अवयव आ जाएंगे? 6 और 8। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देख लेंगे। अच्छा, ये वेन डायग्राम देखिए आप, इसमें जो कॉमन पोर्शन है नीले रंग से वो सर्वनिष्ठ को प्रदर्शित करता है। अब इस दूसरे उदाहरण में देखेंगे कि दोनों सर्कल सेपरेट है, असंयुक्त है, इसका मतलब होता है कि दोनों अवयव समुच्चयों के अवयव में कोई भी कॉमन अवयव नहीं है। तो छात्र यहां देखेंगे सर्वनिष्ठ संख्याओं की प्रॉपर्टीज के बारे में हम समझ रहे हैं। तो हमने यहां पर जो प्रॉपर्टीज लिखी है, पहली प्रॉपर्टी है क्रमरिमी नियम, दूसरी प्रॉपर्टी है साहचर्य नियम, तीसरी है फाई और यू के नियम, चौथी है वर्गसम नियम,
और पांचवें वितरण या बंटन का नियम, जिसको हमने वेन डायग्राम से समझाया है। तो पहले चित्र में देखोगे बी संघ सी को दर्शाया है, तो यहाँ पर बी और सी के जो सर्कल हैं उसको हमने ब्लू से भरा है, यानी बी के और सी के दोनों के अवयव इसमें सम्मिलित हैं। दूसरे चित्र में देखते हैं कि बी संघ सी और ए का सर्वनिष्ठ, तो बी संघ की जो ब्लू था और ए उसका जो कॉमन पोर्शन है, तो इसमें तीन हिस्से आ रहे हैं, ए का भी हिस्सा इसमें आ रहा है, सी का भी हिस्सा आ रहा है और बी का भी आ रहा है। तो तीन जो छोटे हिस्से हैं उसको मिला के क्या बनेगा, ए सर्वनिष्ठ बी संघ सी। अब हम तीसरा देखते हैं ए सर्वनिष्ठ बी, ए सर्वनिष्ठ बी का यानी ए और बी का जो कॉमन पोर्शन है, जिसमें ए के भी अवयव है और बी के भी अवयव है, यानी ए और बी के दोनों के उभयनिष्ठ अवयव हैं, ये ब्लू कलर से दर्शाया है। और चौथे चित्र में ए सर्वनिष्ठ सी यानी ए और सी का जो उभयनिष्ठ पोर्शन है उसको दर्शाया है। और पांचवें चित्र में ए सर्वनिष्ठ बी और ए सर्वनिष्ठ सी का संघ, तो यह जो हिस्सा है ये हमने जो ब्लू कलर से दिखाया है। और हम ये देखते हैं कि जो पांचवा चित्र और दूसरा चित्र एक सा है, यानी इसका मतलब ये होता है कि ए सर्वनिष्ठ बी संघ सी बराबर ए सर्वनिष्ठ बी संघ ए सर्वनिष्ठ सी, यह सिद्ध होता है। तो इसी तरह से आप ये पांचों प्रॉपर्टीज को वेन डायग्राम के माध्यम से भी समझा सकते हैं। अब समुच्चय का अंतर देखते हैं। समुच्चय का अंतर किसे कहते हैं, दो समुच्चय ए और बी का अंतर उन अवयवों को समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है, जबकि ए और बी को इसी क्रम में लिया जाए तो हम इसको ए माइनस बी से लिखते हैं, और इसे क्या पढ़ेंगे, ए अंतर बी। तो यहां पर हम देखते हैं कि ए माइनस बी, ए कितना दिया हुआ उदाहरण में, ए में मान लो अवयव है 1 2 3 4 5 6 और बी में अवयव है 2 4 6 8, तब को ए माइनस बी बनाना है। तो ए माइनस बी में क्या करेंगे, ए के बे अवयव जो बी में ना हो, तो एक बी में नहीं है उसको शामिल करेंगे, दो चूंकि बी में भी है इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, तीन बी में नहीं है इसलिए शामिल करेंगे, और पांच बी में नहीं है तो इसको शामिल करेंगे। तो 1 3 5 बे अवयव हैं जो ई में हैं लेकिन बी में नहीं है, तो ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, समुच्चय 1 3 5। बी माइनस एक कैसा करेंगे, बी के बे अवयव जो ए में ना हो, तो हम देखते हैं 2 4 6 ए में भी है तो इसको शामिल नहीं कर सकते, बी का अगला अवयव है 8 जो कि ए में नहीं है, तो बी माइनस ए में क्या आ जाएगा, समुच्चय जिसमें अवयव है 8। तो हम देखते हैं कि ए माइनस बी बराबर नहीं है बी माइनस ए, तो ये जरूरी नहीं है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर हो। ये एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.4, तो इसे सभी छात्र नोट कर लें और इसको हल करें और हमको ग्रुप में चेक कराएं।